वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है। तो आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज इस समय पर आपके लिए क्या है, यही टॉपिक है रीडिंग का। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज करने हैं, यानी कि अगर उनका नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर वन, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर टू। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर वन। नंबर वन, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से एल तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड आज जो रीडिंग है मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू ही कर रही हूं एंड आई विल यूज हमजा ओरेकल डेक। आपके पार्टनर की जो डीप इमोशंस हैं, डीप थॉट्स हैं, उन्हें जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्रुप नंबर वन इस समय पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है, और आप दोनों की एनर्जीज जो हैं एक दूसरे के साथ में अलाइन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। लेट्स पिक कार्ड फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी फर्स्ट। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट लवर्स एंड वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहां पे राशियां निकल के आई है जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपकी एनर्जी इस समय पर कैसी है। फोर कार्ड्स फॉर यू। Nine of Wands, Knight of Swords, Two of Wands, and we have Eight of Cups. Guys, please keep in mind की जो energies निकल के आ रही है ये vice versa भी हो सकती हैं, okay? And back of the deck आपकी energies के लिए निकल के आया है card Five of Wands का। So first of all आपकी energy अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं देख पा रही हूँ group number वन कि आपने किसी एक्शन को लेने के लिए या कुछ प्लान आपने बना रखा है और आप लास्ट मोमेंट पर कुछ काम करने से रोक रहे हो अपने आप को, ठीक है। आप कहीं रुके हुए हो, आपके माइंड में बहुत फास्ट जो मूवमेंट हो रही है, थॉट्स की जो मूवमेंट है आपके माइंड में बहुत फास्ट हो रही है और ये ओवर थिंकिंग का भी एक साइन यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पे हो रही है। आपके जो साइंस निकल के आए हैं वो फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है, और यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये राशियां निकल के आई हैं जो आपकी तरफ से आ रही हैं। सो आई सी आप ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप कुछ भी आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो तो आप रुक जाते हो। पास्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, पास्ट में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर आप अपने आगे के फ्यूचर के लिए जो भी आपने प्लान बनाए हैं उसमें आप ब्लॉकेज डाल रहे हो, ठीक है। तो पास्ट के इवेंट्स के बारे में सोचकर, पिछली बातों के बारे में सोचकर आप आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हो इस मोमेंट पे। आई सी कि आपकी तैयारी पूरी है, आपने जो भी फैसला लिया है अपने माइंड में या आपने जो भी प्लान बनाया है अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर या अपने इंडिविजुअल जर्नी के फ्यूचर को लेकर के, वो उसमें आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको पता है अगर कुछ इश्यूज है आप लोगों के बीच में तो आप जानते हो कि उन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है, बट आप एक्शन लेने से डर रहे हो क्योंकि पास्ट में कुछ चीज खराब हुई है, पास्ट में नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस आपको हुआ है, उसकी वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है कि जो पहले मेरे साथ हुआ था कहीं उसी तरीके का एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ फ्यूचर में भी ना हो। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो दो प्लान्स को लेकर के कंफ्यूज हैं कि मैं इस तरह से अप्रोच करूं या मैं दूसरी तरह से अप्रोच करूं। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो ऑप्शंस हो सकते हैं लोगों की लाइफ में, ठीक है, दो प्रायोरिटीज में कंफ्यूज हो रहे हैं दो लोग, कुछ लोग।
तो आपकी तरफ से थोड़ा सा जो एनर्जी है वो स्कैटर्ड एनर्जी है। आपको मैं सजेशन यही दूंगी, अगर आपके साथ में ये एनर्जीज मैच कर रही हैं तो आपके लिए सजेशन यही रहेगा मेरी तरफ से कि आपके पास्ट में जो कुछ हो गया है उसको पास्ट में रहने दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर के जो कार्ड्स निकल के आए, उनकी जो एनर्जी निकल के आई है वो इस समय पर आपकी एनर्जी से कंपैरेटिवली काफी बेटर मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स ये पर्सन आपके साथ में कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, नई जर्नी आपके साथ में बिगिन करना चाहते हैं, लाइफ की न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। देर इज यूनियन कमिंग अप, आपके साथ में एक स्ट्रांग पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने किसी और पर्सन को या किसी और सिचुएशन को ज्यादा वैल्यू दी हो, लेकिन इस मोमेंट पर ये इंसान आपको अपने इक्वल रख कर आगे चलना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके साथ में एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही डीप इमोशनल कनेक्ट महसूस होता है। ग्रुप नंबर वन, आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो सोलमेट कनेक्शन में हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो या सोलमेट कनेक्शन में अगर आप हो, यूजुअली ऐसा होता है कि कभी आपकी एनर्जी जो है वो डाउन चली जाएगी, आपके पार्टनर की एनर्जी बेटर हो जाएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी बेटर हो, आप उस वक्त में पॉजिटिव हो, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो नेगेटिव में चली जाए। तो इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो नॉर्मल है, वही चीज यहाँ पे दिख रही है। अभी इस समय पर आपकी तरफ से थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन, थोड़ी ज्यादा फियर मैं देख रही हूँ, फ्यूचर को लेकर के बहुत डर जो है वो आपके माइंड में बैठा हुआ है। इस डर को, इस नेगेटिविटी को आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो ऑलरेडी काफी हद तक हील होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, अभी जो मैंने आपको मेंशन किया कि अगर पहले इन्होंने किसी और चीज को, किसी और पर्सन को अपनी प्रायोरिटी बना रखा था, तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी करना सीख रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आने वाली है। अगर आप इनके इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो आप दोनों के लिए ही एक बहुत ही ब्यूटिफुल पाथवे खुलने वाला है। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी। वॉट एल्स इज देयर? ग्रुप नंबर वन। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के साथ में आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, उनकी ट्रू एनर्जी, उनकी ट्रू इमोशंस इस समय पर, इस मोमेंट पर आपके लिए क्या है। We have three of pentacles and we have seven of wands. Okay, and यहां पर back of the deck we have ace of wands. Definitely this person wants a new beginning आपके साथ में करना चाहते हैं, और इस बार ये जो फैसला है इनका या ये जो action ये लेने वाले हैं या जो plan इनके mind में है future को लेकर के, आप दोनों के future को लेकर के, ये इमोशन पर टिका हुआ डिसीजन नहीं है, ये इन्होंने बहुत ज्यादा सोच समझ करके ये फैसला लिया है। ठीक है, इमोशनल डेफिनेटली है, इमोशंस डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो ये एक्शन लेने वाले हैं या जो भी फैसला ये लेने वाले हैं, जिस तरीके की एनर्जीज हैं इनकी, बहुत ज्यादा इन्होंने दिमाग से भी उस चीज को सोचा है, राइट? किसी से सलाह ली है इन्होंने, किसी अपने फ्रेंड से डिस्कस किया है, किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस किया है, किसी अपने गुरु से डिस्कस किया है, और वहां से इनको कुछ ऐसी गाइडेंस मिली है कि अभी तक जो कुछ ये दूरियां अगर आपसे बना रहे थे किसी चीज को लेकर के, या ट्रांसपेरेंसी अगर आप लोगों के बीच में नहीं थी, अगर पहले सीक्रेट्स रखे जा रहे थे या कुछ चीजें शेयर नहीं करी जा रही थी, तो वहां से कुछ इनको हो सकता है कि ऐसी गाइडेंस मिली है कि ये अपने जो लिमिटेशंस हैं या जिस भी बाउंड्री में इन्होंने अपने आप को बंद किया है, ठीक है, उन सब वॉल्स को ये हटा रहे हैं, उन सब ब्लॉकेजेस को इस समय पर ये हटा रहे हैं। एक पॉजिटिव गाइडेंस इनको मिल रही है। आई ऑल्सो सी हियर कि आपके पार्टनर की तरफ से इस समय पर उनके वर्क रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, एंड उनका काफी ज्यादा ध्यान जो है वो उस जगह पर भी है।
ठीक है, वो जो भी सिचुएशन है, काम से जुड़ी, पैसे से जुड़ी, फाइनेंसेस से जुड़ी, काफी उनका जो फोकस है वो इस समय पर वहां पर भी जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये जो मैटर है, ये जो फाइनेंशियल मैटर है, या ये लॉ से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, फैमिली से जुड़ी सिचुएशन हो सकती है, ये जो मैटर है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके और उनके रिलेशनशिप के ऊपर अभी तक अफेक्ट कर रहा था, अफेक्ट डाल रहा था। ओके, लेट्स सी। हमजा कार्ड से देखते हैं ग्रुप नंबर वन, आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं आपके लिए इस समय पर क्या है। सी, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये भी, बट देर इज लव, आई स्टिल लव यू। माइट चीट अगेन, आई टोल्ड यू, पास्ट में अगर इन्होंने किसी और पर्सन को प्रायोरिटी दी है या किसी और पर्सन के बारे में अगर इन्होंने पास्ट में सोचा है तो वो एक पॉइंट है जो इनके माइंड में आ रहा है। आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन। आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हैं तो ये आप लोगों के जो रिटन मैसेजेस हैं उन्हें बार बार ये पढ़ते हैं। ओके, बैक ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आ रहा है, हैव अ फैमिली विद यू। या तो ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली है इनके साथ में, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं। नहीं है तो आई टोल्ड यू कि ये आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी के लिए ये प्लान कर रहे हैं। बट टू बी नोटेड ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे जरूर होगा। ये जो मैसेज यहाँ पे निकल के आया है ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स ने उनको चीट किया है। कुछ सिचुएशंस ऐसी रही होंगी जहां पे कि आपके पर्सन की जो प्रायोरिटी है वो काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोर्ट केस जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर किसी और पर्सन के साथ में इन्होंने आपको चीट किया है तो वहां पर अभी एनर्जी जो है पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, वहां पर आपके पर्सन की अभी हीलिंग होनी बाकी है। लव डेफिनेटली है, अफेक्शन डेफिनेटली है, बट फियर भी है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, आपके कंपैरेटिवली कम है। अगर ये आपके साथ में ये वाले कार्ड्स जो है आपकी एनर्जी के साथ में मैच कर रहे हैं देन ऑफ कोर्स आपके कंपैरेटिवली फियर जो है इनके माइंड में काफी कम है। ओके, यस, ग्रुप नंबर वन गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। आज मैंने थोड़ा सा रीडिंग का जो पैटर्न है उसको चेंज किया है, आपने नोटिस किया होगा जो लोग मेरी रीडिंग देखते हैं कि आज मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि कई लोग जो थे वो कह रहे थे कि उसमें कंफ्यूजन होती है, कई लोगों को समझ में आता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं चैनल से हर दिन। तो आज मैंने आप दोनों की एनर्जीज को अलग अलग रख कर रीड किया है। अगर आपको ये पैटर्न ज्यादा इजी लगता है या ये इस तरीके का टैरो स्प्रेड जो है वो आपको ज्यादा आसान लगता है समझने में, आप इससे अगर ज्यादा रिलेट कर पाते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पहले की तरह जैसे मैं यूजुअली जो रीडिंग्स करती हूँ अगर आपको वो पैटर्न बेटर लगता है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर टू नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर टू, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एम से जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी इस समय पर आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ऑलरेडी हैव अ कार्ड, ओके, सो आई पिक टू मोर कार्ड्स फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी फर्स्ट, जिनके बारे में आप सोच रहे हो जिनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है। वी हैव द डेविल कार्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर की तरफ से जो राशियां निकल के आई हैं वो हैं जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न। केप्रिकॉर्न राशि वाले ज्यादा लोग हो सकते हैं, यानी ज्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी राशि जो है केप्रिकॉर्न हो सकती है। लेट्स सी आपकी एनर्जी इस समय पर क्या है, किस हद तक आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ में अलाइन कर रही हैं। ग्रुप नंबर टू, आपके लिए जो पहला कार्ड निकल के आया है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देन यू हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस,
एरीज लियो सेजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड बैक ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का ही अगेन एयर साइन फायर साइन सॉरी। ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। आई फील कि ये पर्सन आप तक पहुंचना चाह रहे हैं या आपको कुछ कन्फेस करना चाह रहे हैं। देर इज समथिंग अबाउट द पास्ट, आप लोगों के रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में कुछ है, किसी एक्शन से या किसी कन्फेशन से ये अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोगों के बीच में हो सकता है कि इस समय पर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो रही हो। ओके सो आने वाले फ्यूचर में इनको क्या करना चाहिए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस टाइम पर, तो ये वापस से आपके साथ में कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट इस समय पर इनको पता नहीं है कि इनको अगला कदम जो लेना चाहिए वो किस तरह से लेना चाहिए, या आपके तरफ अप्रोच करना भी चाहिए इस मोमेंट पर या नहीं करना चाहिए। ये कंफ्यूजन इनके माइंड में इस समय पर चल रही है। ज्यादातर लोग ग्रुप नंबर टू में जो है कार्मिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। कर्मा जो है वो अभी बैलेंस नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में, कुछ पेंडिंग एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो अधूरा दिख रहा है मुझे। बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा हर्टफुल एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ से भी दिखाई दे रही है। आपका जो यहाँ पे कार्ड निकल गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, टेन ऑफ सॉर्ड्स का, किसी ने चीट किया है यहाँ पे, बिट्रे किया है, ब्लॉक कर दिया है कंप्लीटली, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, बातचीत जो है वो बिल्कुल बंद यहाँ पे नजर आ रही है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। ओके आप लोगों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है या आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज है फ्लक्चुएट करती रहती है बहुत ज्यादा, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है कई लोगों के लिए, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस है वो आपके लिए टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं या बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उनका रिसेंटली कोई ऐसा बिहेवियर रहा है जिसकी वजह से आपको इस समय पर या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप जो हो जल्दी से उनके साथ में किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट में आप पड़ सकते हो। सो ये पर्सन जो है, अगर आप इनसे कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन ले, तो आपके लिए सलाह यही रहेगी कि किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट में इस समय पर आपको नहीं पढ़ना है ग्रुप नंबर टू। ठीक है, आपके पार्टनर का ये जो बिहेवियर है, ये जो ऑन एंड ऑफ बिहेवियर है, या जो फ्लक्चुएशन उनके माइंड में उनके बिहेवियर में आती रहती है आपके टूवर्ड्स, इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिविटी। उनके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो है, या उनके खुद के फियर है, उनके पास से जुड़े हुए उनके खुद के कुछ डर हैं, उनके खुद के कुछ ऐसे इमोशनल वूंड्स हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी नजर में आ रही है कि किसी और पर्सन के साथ में भी कोई कार्मिक कनेक्शन इनका चल रहा है। ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल में हो सकता है कि ये इंसान फंसे हुए हैं, वहां से ये एस्केप नहीं कर पा रहे, वहां से निकल के आप तक कैसे पहुंचना है समझ नहीं पा रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, या ऑफ कोर्स बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रही है, तो ये पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और पास्ट के बारे में सोच सोच कर प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ये इंसान इतने केपेबल हैं, ये जानते हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये जिस स्टेज पर है ये अभी वहीं पर रुके हुए हैं। बहुत ज्यादा स्टेग्नेंट एनर्जीज यहाँ पे आ रही है ग्रुप नंबर टू, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। कुछ बातें आपके मन में भी ऐसी चल रही है जिनको आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। सो आई सी के यहां पर दोनों ही लोग हैं जो हर्ट हुए हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ज्यादा मुझे यहाँ पे फायरी नजर आ रही है, या ज्यादा कह सकते हो कि हर्टफुल एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है। आप गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, या जो भी आपके क्लोज वंस हैं उनके साथ में आप अपनी ये प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को आप डिस्कस कर रहे हो, वहां से आप कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि आपके जो जान पहचान वाले जो लोग हैं वो भी आपको यही बता रहे हैं कि इस पर्सन ने शायद आपके साथ में बहुत गलत किया है और आपको इनके साथ में दोबारा से कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज जो है बहुत स्ट्रांग, ये मैसेज यहाँ पे निकल करके आ रहा है, लेकिन आपका माइंड जो है वो रुक नहीं पा रहा,
आपका माइंड बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहा। आप इनको कई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, कई लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हो और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि ऑलरेडी एक कार्मिक साइकिल में वो फंसे हुए हैं। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर टू, आपके पार्टनर के इमोशंस। हमजा ओरेकल से देखते हैं ऐसे कौन से थॉट्स हैं, क्या हिंट्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से इस समय पर। आई मिस अस, ओके, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, पुरानी बातों के बारे में, पुराना जो टाइम, गुड मेमोरीज जो आप लोगों की हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को एक दूसरे के साथ में हुए हैं, उन सब बातों को ये याद कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकती है। प्लीज मेरा वेट करो। सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में ये कार्ड निकल के आया है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, शायद कहीं कार्मिक साइकिल इनकी चल रही है। ठीक है, किसी सिचुएशन में ये शायद फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो डेविल का कार्ड निकल के आया है, दिस इज टेलिंग कि अभी किसी कार्मिक साइकिल में ये फंसे हुए हैं और इनकी जो सोल है, इनका जो हायर सेल्फ है, वो आप तक जो मैसेज पहुंचाना चाहता है वो यही है। ये चाहते हैं कि आप इनका इंतजार करो, आप कहीं अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, इस बात का डर इनके मन में है। मैं सही समय पर समझ नहीं पाया, डेविल कार्ड के साथ में ये कार्ड निकल के आया है। तो उस समय पर, जहां पर भी, जिस भी समय पर इन्होंने आपके साथ में कुछ नेगेटिव कर्मा किया है, उस टाइम पर ये आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, उस समय पर ये आपके रिलेशनशिप की वैल्यू को नहीं समझ पाए। ठीक है, और अब गिल्ट अपने अंदर ही बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं। आई टोल्ड यू, ओवर थिंकिंग इनके माइंड में जो है, इनके मन में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। अलग हो जाने का डर जो है, या परमानेंटली आपको खो देने का एक फियर जो है, वो इनके मन में है। हो सकता है कि पास्ट में इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जहां से एनर्जेटिकली अभी भी ये कनेक्टेड है, कोई ऐसी हर्टफुल सिचुएशन इन्होंने फेस करी हो अपनी लाइफ में जहां से अभी तक ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए हैं। डिसऑनेस्ट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करी हैं इन्होंने। इनके पास्ट के बारे में हो सकती है, प्रेजेंट के बारे में हो सकती है। आपका मेरी जिंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। आई सी दिस पर्सन इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। नो कॉन्टैक्ट पीरियड में स्पेशली जो लोग हैं उनके लिए ये मैसेज निकल के आया है। आप लोग अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हो एट प्रेजेंट, तो वो एक फैक्टर जो है वो इनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करा रहा है, इनको बहुत ज्यादा सैड फील करा रहा है। ओके, बैक ऑफ द डेक हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हो सकता है इस समय पर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर पिक्चर, आपकी फोटो को ये देख रहे हैं, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है इनके आसपास में जो आपसे जुड़ा हुआ है, ऐसी किसी चीज को देख रहे हैं या रिसेंटली देखा है इन्होंने, और आपकी, आपसे जुड़ी हुई, उस चीज से जुड़ी हुई, उस फोटो से जुड़ी हुई जो मेमोरी है वो इनके माइंड में एकदम फ्रेश हो गई है और ये अपने कर्मास के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यस, आपको भी इस टाइम पर जरूरत है किसी के सपोर्ट की। वो सपोर्ट मैं देख रही हूं आपकी तरफ से प्रेजेंट है ऑलरेडी। अगर आप जानते हैं कि वो पर्सन कौन है तो आप जरूर उनकी हेल्प लीजिए। ठीक है, जिन पे आप ट्रूली आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो, वो इंसान आपको जरूर मदद करेंगे आपकी लाइफ में दोबारा से ट्रैक पर आने के लिए। इस समय पर आपको भी गाइडेंस की जरूरत है। काफी सारे लोग ऑलरेडी गाइडेंस ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं उनको अपने आप को ओपन अप करने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर बहुत टाइम तक कैरी करते रहोगे तो आप भी जो है अपने आने वाले रिलेशनशिप्स में, अपने आगे की लाइफ में, जरूरी नहीं है सिर्फ रिलेशनशिप्स में हो, अपने वर्क प्लेस पर भी, अपने काम में भी आप ये एनर्जी जो है डाल दोगे, नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, माइंड में जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो ब्लॉकेजेस जो है ज्यादा समय तक रहेंगे तो वो और पक्के होते चले जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उन वूंड्स को आपको हील करना शुरू करना पड़ेगा और अपने लिए पहला कदम जो है वो आपको ही उठाना पड़ेगा। ग्रुप नंबर टू, गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरा कि इस रीडिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक चेंज किया है, आज मैंने मैस्कुलिन फेमिनिन के कॉन्सेप्ट को मेंशन नहीं किया है।
आज मैंने आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी जो है, इन दोनों को अलग निकाला है, ठीक है। सो एक डिफरेंट स्प्रेड में और एक डिफरेंट तरीके से मैंने आज रीडिंग करी है। अगर आपको ये तरीका रीडिंग करने का या ये लेआउट जो है आपको अगर बेटर लगता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको जिस तरीके से मैं नॉर्मली रीडिंग करती हूँ, यूजुअली रीडिंग करती हूँ, अगर आपको वो पैटर्न ज्यादा सूटेबल लगता है तो अपना जो सजेशन है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।